एक्सेल का यूज कहाँ होता है, चलिए इसके बात करते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि आखिर एक्सेल है क्या या यूज क्या है, क्या करते हैं, तो एक सटीक आंसर आपके पास होना चाहिए। देखिए एक्सेल का यूज हम दो चीजों में करते हैं, तीन चार चीजों में करते हैं। पहले डेटा स्टोरेज, किसी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए एक्सेल एक डेटाबेस नहीं है। एक्सेल डेटाबेस के बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है। सो डेटाबेस बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जैसे कि एक्सेल में सबसे पहले देखिए कि सिक्योरिटी का बहुत वीक है इसका। इसे आपने पहले से प्रोटेक्ट किया तो प्रोटेक्ट करते हुए माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है कि ये पासवर्ड भूल गए तो आप रिकवर नहीं कर सकते, और पासवर्ड तो हम भूलते ठीक रहते हैं ना है, सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। डेटाबेस हम बना ले, पता चला कि पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा? लॉस्ट सारा डेटा हर चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके बिल्कुल। इसको पासवर्ड को इजीली जो है तोड़ा जा सकता है। उसके अलावा इसकी फाइल करप्ट हो जाती है, साइज लिमिटेड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है ना? इसलिए ये जो है तो क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं? सबसे पहला डेटा हम बात करते हैं मिसलेनियस डेटा। जैसे ऑफिस में आप आपके पास आप मान लीजिए पेरोल के लिए हम टैली यूज करते हैं या अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अटेंडेंस जो है वो आप एक्सेल सीट में रखेंगे। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे भी जो है आप एक्सेल पे ही रखेंगे। ठीक है सर? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। पेटी मतलब कैश हो जैसे नॉर्मल, गया, मतलब जो पेटिंग उसको आप रखेंगे। तो मिसलेनियस डेटा को हम एक्सेल पे स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे हम जैसे छोटे लोग जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करता है, एक्सेल पे ही डेटा को स्टोर करता है। राइट छोटे सर? छोटे ठीक है, उसके बाद आता बिल्कुल है बिल्कुल। एनालिटिक्स डेटा। एनालिटिक्स डेटा मान लीजिए कि मैं डेटा को सर्वर पे रखता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर है सर्वर पे डाटा, लेकिन जब मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा, जैसे कि इसी डैशबोर्ड की हम बात करें जो हमने कल बात की थी, इसी डैशबोर्ड की बात करें, अगर इस डैशबोर्ड को मुझे बनाना है तो डेटा को मुझे एक जगह पे होल्ड करना पड़ेगा। अभी डेटा मैंने सर्वर से लिया है और सर्वर से लेके मैंने डेटा शीट पे होल्ड किया, और इसके बाद सपोर्ट में कैलकुलेशन करके डैशबोर्ड पे हमने बना दिया। ठीक है? ताकि जब मैं कुछ सिलेक्ट करूँ तो उसी हिसाब से चेंज होके यहाँ पे कैलकुलेशन दिखे। तो एनालिटिक्स डेटा को हम स्टोर करते हैं। राइट सर? ठीक, तो हम डेटा स्टोर करते हैं कौन सा, मिसलेनियस, एसएमई और एनालिटिक्स डेटा। दूसरा जो आता है एक्सेल के लिए कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से एक्सेल से कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि अगर आप बाकी जगहों पे देखिए तो जैसे आप ओरिकल देख ले, आप एसक्यूएल देख ले, आप जो है पावर बीआई देख ले, आप एक्सेस ही देख ले, जो कैलकुलेशन होता है फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है, मतलब एक कॉलम पूरा कैलकुलेट होता है। यहाँ सेल टू सेल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में 50 सेल हुआ, क्वार्टर टू में 60 सेल हुआ, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए ऐसे हो सकता है फॉर्मूला, और नहीं हो तो मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन डाल बिल्कुल दूंगा कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट निकल गया परसेंटेज मेरे पास। हाँ, तो इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कैलकुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल है। तो थैंक कैलकुलेशन से अच्छा, इससे अच्छा कोई कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। तो किस तरह की कैलकुलेशन, जैसे आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना हो, आपको कमीशन कैलकुलेट करना हो, आपको सैलरी कैलकुलेट करना हो, आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी हो, तो एक्सेल उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है। लेट्स किक ठीक थिंग्स है, ऑफ विद लेट्स ए स्टार्ट द डिस्कशन डिस्कशन अबाउट व्हाट अबाउट व्हाट ट्रिगर्स ट्रिगर्स आर। आर। ठीक है? ठीक,
एडमिन से बात बात आती है एनालिसिस एंड रिप्रेजेंट डेटा का। एनालिसिस मतलब किसी भी डेटा को समझना, समझ के आप जो है उसका ये निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन तो जनरली हम यूज करते हैं पावर पॉइंट, क्या सर? लेकिन डायनेमिक के लिए, जैसे कि आपके सामने रिपोर्ट ही देख लीजिए, मान लीजिए इसी को अगर मैं पिवट पे करूंगा तो हर मंथ के लिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ हमने डायनेमिक कर दिया कि हम मंथ जनवरी पे क्लिक करते पूरा डेटा जनवरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, दिसंबर करते दिसंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अरे फीचर्स तो पावर पिवट में नहीं आएगा, सॉरी पावर पॉइंट में नहीं आएगा सर, समझे? तो डायनेमिक जो है करने के लिए रिपोर्ट्स के लिए। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे दिख जाता है, तो इजीली मान लीजिए मुझे मई और जून को कंपेयर करना है, तो मई पे क्लिक किया तो मुझे पता चल गया कि 1K के आसपास पूरा सेल हुआ है, सिर्फ जो ऑफिस सप्लायर 2K हुआ है। और जैसे जून में क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जून में भी सेम सेम है, फर्नीचर 2K हो गया, बाकी सब 1K ही है, ठीक है? ठीक है, हम देख पा रहे हैं ना आसानी से, दिख रहा है आपको? तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शेयरिंग है, कि अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो हम प्रेफर करते हैं एक्सेल फाइल। देखिए अगर ये शेयरिंग वाला पार्ट अगर ना हो तो एक्सेल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना? बोले शेयरिंग क्या, हम तो किसी को फाइल मेल कर देते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट होने का क्या बात है? यही तो इम्पोर्टेंट है सर, हम किसी को भी एक्सेल फाइल भेज देते हैं, हमें आशा रहती है कि बंदा फाइल खोल के देख लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेल जरूर है, मेरे पास पावर बी आई है, टैबलू है, ऐसे भी है जो कि डैशबोर्ड बड़ी आसानी से बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम उसको आपको भेज तो आपके पास सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई रिपोर्ट देखने के लिए 200-300 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन एक्सेल को मोस्टली होगा, नहीं होते एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे कि OpenRG जैसे सॉफ्टवेयर जरूर होंगे, या फिर वो गूगल सीट पे भी जाके देख सकता है, एंड्रॉइड में भी होता है, एंड्रॉइड में भी सपोर्ट करता है, इस कारण से एक्सेल इतना अच्छा है। तो हमको और किसी ने पूछा कि एक्सेल क्या करते हैं, तब सिंपल बोलेंगे वी कैन यूज द एक्सेल फॉर स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा, सिंपल। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है कि आपके सामने शीट्स है, फाइल्स है, तो नॉर्मली आप जानते ही होंगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले मेथड पे हम आपके साथ बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ, राइट? अब मुझे इस वैल्यू के अंदर +20 करना है, तो दूसरे सेल पे मुझे +20 की रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसी पे +20 तो नहीं होगा, समझ गया? क्योंकि जिस सेल पे वैल्यू है उसी सेल पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसके अगले वाले सेल पे फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें करते हैं +20 प्रेस किए और इसको आसानी से हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। हो गया ड्रैग सर, ठीक है? अब ड्रैग करने से फायदा क्या हुआ कि हमने यहाँ सेलेक्ट तो किया था A2 +20, लेकिन जैसे ही हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं तो A2 A3 हो जाता है, सेम A3 A5 हो जाता है, A3 A4 हो जाता है। तो एक फायदा होता है कि हमें फॉर्मूला एक सेल में लगाना है और नीचे की तरफ ड्रैग या कॉपी पेस्ट करने पे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपना एड्रेस इंक्रीज कर लेता है, तो हमें अलग अलग सेल में ना लगाना पड़े। एक बहुत बड़ी चीज है इस एक्सेल में। अगर मान लीजिए कि आपको हर किसी को अलग अलग लगाना होता तो क्या होता, इतना परफेक्ट होता? तो 10 लाख रो मान लीजिए आपके पास है, तो 10 लाख रो पे फॉर्मूला लगाना पॉसिबल है एक एक करके? नहीं है, नहीं सर, वो तो फिर मैनुअल काम ही हो गया ना, फिर एक्सेल में काम हुआ। तो ये बेनिफिट है, लेकिन जहाँ बेनिफिट हुआ वहाँ प्रॉब्लम भी होती है। जैसे अभी इस बार 20 मैनुअल नहीं ऐड करना है, 20 यहाँ डी लिखा हुआ। अब मैंने क्या किया, A2 + D2 कर दिया, A2 + D2 D1 सॉरी डी हाँ
अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे A1 जो था वो A3 हो गया, तो A2 जो है हमारा A3 हो गया ना, जी D1 में D2 हो गया। अब A1 A2 को A3 होना था, मुझे रिक्वायरमेंट है होना, बट D1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सर D1 को तो हमें फ्रीज करना पड़ेगा ना, जी वो हाँ, मैं वही बता रहा जो हूँ कि फोर्थ हमें फोर्थ। फ्रीज करना अच्छा पड़ेगा। तो हमने ठीक वन है के ठीक आगे है। डॉलर साइन लगा दिया तो फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे ड्रैग अच्छा करूंगा तो आपका अभी सबमिट D1। सर सर एक सेकंड, आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या आगे लगाया है? डी की जो सेल है, हाँ अच्छा आपने वन को फ्रीज करा, हाँ ठीक है ठीक देखिए, है, नहीं तो वो हर रो। एड्रेस का, हर एड्रेस का एक तो कॉलम नंबर होता है, एक रो नंबर, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है मुझे टॉप टू बॉटम फ्रीज करने थे, इसलिए हमने वन को फ्रीज किया, अच्छा मतलब कि हमने ठीक है सर रो को फ्रीज किया। अब इसमें ठीक ऊपर से नीचे हम ड्रैग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेफ्ट टू राइट जब ड्रैग करेंगे सो वी गॉट द प्रॉब्लम कि मेरा DE बन जाएगा। तो आपको अब ऐसा लगता है कि लेफ्ट टू राइट भी लेना है तो हम D के आगे भी डॉलर साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ड्रैग करेंगे तो ये ठीक हुआ। देखिए डॉलर की जो जो डॉलर का कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हमने 3 5 9 10 मैं टेबल लिखना चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या ठीक है, है ठीक इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना इस तरह से, ठीक है। फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो हमने क्या किया, ठीक सिंपल यहाँ पे लिया और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो 3 जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। 3 देखिए हाँ एट जी हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो हाँ 6 को सिक्स। करेगा ना फिर। हाँ तो हमें क्या करना है, जो H7 है उसका 7 फ्रीज कर देना, ठीक है। ठीक एक है 3 का H7 फ्रीज कर देना। अब नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, अब मेरा पूरा फॉर्मूला आ गया। फिर जब आगे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि जो हमारा G था वो H हो गया। तो मुझे यहाँ H को G के को फ्रीज करना, लेकिन 8 को फ्रीज नहीं करना है। क्यों, जब नीचे ड्रैग करूँ तो 8 9 10 होना चाहिए, तो रिएक्ट को बिल्कुल अब H को फ्रीज नहीं करना है, ताकि हम आगे बढ़ाएं तो HIJKLMN होना चाहिए, बट नीचे ड्रैग करें तो हाँ 7 फिक्स होना चाहिए, ठीक ठीक है। तो इस चीज को देख लीजिए और देखने के बाद फिर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए हमारा टेबल आ गया, ठीक है। ठीक है सर तो फ्रीज करते समय आपको देख लीजिए, आप ड्रैग करने जा रहे हैं तो कौन सा रो बढ़ रहा है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, और कौन सा कॉलम बढ़ रहा है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ठीक है। डन सर। तो ये हमारा डॉलर का कंसेप्ट होता है जो कि आपको मैंने समझा दिया, ठीक ठीक है। और दूसरी चीज आती है कि अगर मुझे एक्सेल में कुछ ढूंढना है, एक्सेल के अंदर में मुझे कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। तो जनरली मान लीजिए मतलब कोई चीज के बारे में समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी इसी में पहले क्लास से बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा, कि जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। अब मुझे हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जी के बारे में जानना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, ठीक गूगल पे जाते हैं। मैं गूगल पे जाने की सलाह नहीं दूंगा, आप क्या करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखें। आप जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कर्सर लेंगे, स्किल रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, जी टेल मी मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ खुल के आएगा, ठीक है, खुल के आ गया। ठीक अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन बच्चे पूछते हैं बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो जनरली गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं। देखिए गूगल में हाँ सर्च करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ठीक है क्यों, क्योंकि गूगल में दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट नहीं होती है।
वो हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल और वेबसाइट पे डालते हैं, इसलिए उस पे दी गई इंफॉर्मेशन नॉट करेक्ट होती है। देखिए एक्सेल हेल्प पे ठीक दी गई है। इंफॉर्मेशन हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं वही यूज करते हैं। ठीक है सर, ठीक और प्रूफ रीड के साथ यहाँ पे मैक्रोसॉफ्ट पब्लिश करता है, तो कोई भी चीजें ढूंढना होगा आप यहीं पे आके ढूंढेंगे।